सेंट एड्यूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर बुधवार से फोर्थ अक्की कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक राकेश पाठक, अन्य अतिथि ज्ञान प्रकाश ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला अफजाई किया। मुख्य अतिथियों का सीनियर क्रिकेटर रवि मौर्य और सागर राय ने बैच लगाकर स्वागत किया। टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करने उतरी खलीलाबाद की टीम ने निर्धारित 35 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाए। 243 रनों का पीछा करने उतरी राइजिंग स्टार बड़हलगंज की पूरी टीम 12 ओवर में मात्र 33 रन बनाकर आउट हो गई। बड़हलगंज की टीम ने टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच को 209 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। बड़हलगंज की तरफ से वीरेंद्र यादव ने 6 और सचिन ने 3 विकेट लिए। बताते चले कि टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों के 2 वर्गों में बांटा गया है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि राकेश पाठक ने कहा, ले विकेट, बस खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना उनको, और इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए बधाई के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लगन से और पूरी मेहनत के साथ खेलें और यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाएं, क्योंकि इन्हीं टूर्नामेंट्स जो होते हैं इन्हीं के प्रदर्शन के आधार पर उनको आगे भी उनको मौका मिलता है चयन के लिए। तो अपना पूरा यहाँ पर दम लगाएं और अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे कि उन्हें आगे भी ऊपर उठने में सहूलियत मिले।